हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लव इज वर्ल्ड। गुड इवनिंग। आज भी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इवनिंग में, और आज मैं आया हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि आज पड़ोस में मेरे को इनवाइट किया गया था ईद के उपलक्ष्य में। आज क्योंकि आज ईद है, आप सभी को पहले तो सबसे पहले ईद मुबारक, आप सभी भाइयों को, बहनों को, और जो इतने मेरे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को ईद मुबारक। और आज मैं आया हूँ अपने ससुराल में, और यहाँ पे इन्होंने मंगा लिया है थोड़ा ब्रेकफास्ट, शाम का ब्रेकफास्ट। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मंगाया है। और ये देखो सब बैठे हैं। हाय। और अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं शाम का, क्योंकि मेरा टाइम हो गया जाने का। इन्होंने मेरे को बुला लिया ऊपर, तो मैं नीचे ही बैठा था भाइयों के पास। तो अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारे ब्लॉग के जरिए। आज मेरे को एक भाई के घर जाना है पार्टी में, डिनर है हमारा, रात को चलेंगे। लाभी मैं और सीमा चले जाएंगे, बुलाया सबको था बट सबका मन नहीं है जाने का, तो हम तीन जने जाएंगे उनके घर। आज हमारा डिनर है वहाँ पर, उनसे मिलवाते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो भाईचारा के लिए है, मैं आपको दिखा जाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं, आपस में मतभेद पैदा करते हैं, बाकी मैं कर लेता हूँ, मिलते हैं फिर घर जाके। 8:01 PM और मैं आ गया हूँ घर। और घर आके मैं देखा तो सीमा जी भी आ चुकी है। ऐसे फोन आया था मेरे पास जब मैं वहाँ पे था, और ये बैठे तन्नू और लाभी को कर रही थी यार, क्योंकि हम जा रहे हैं पार्टी में। इनको भी बुलाया था वैसे, इनका मन नहीं जाने का, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पर ये गेम खेल रहा है, आजकल ये गेमर बन गया है। कौन सी गेम खेल रहा है भाई? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पैंट, ये गेम तो खेल रहा है, मगर इसको गेम कहीं नहीं पता कौन से खेल रहा है, सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहा है। भाई बता दे। हम सब हो गए तैयार जाने के लिए। मेरा फ्रेंड है आसिफ अंसारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है विद फैमिली। वैसे किया तो पहले भी कई बार, बट आज हम आपको दिखा रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके घर आसिफ के पास, और जहाँ चलते हैं वहाँ पे मिलवाते हैं आपको, और भाई से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका, कौन है क्या करता, वहाँ पे चल के देखते हैं। तैयार हो गए हम, बस जा रहे हैं। हम पहुंच गए आसिफ भाई के घर। देखो इधर सीमा बैठी है, तो लाभी देखो आते ही फिश से खेल रही है, इन्होंने फिश पोर्ट रखा हुआ है इधर। लाभी क्या कर रहे हो आप? और मैं अभी आपको मिलाता हूँ अपने आसिफ भाई से। ये है अपने आसिफ भाई। हेलो फ्रेंड। भाई देखो आपको इसमें ढंग से दिखना रहा हो, ये रॉयल एनफील्ड भाई, रॉयल एनफील्ड में जॉब करते हैं, और आप भाई मैनेजर बन गए हैं हमारे पास के ही एरिए के, ब्राडी के भाई मैनेजर बन गए। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनको गाड़ी भाई के शोरूम से ही ली थी हमने, तो भाई ने बहुत रिगार्ड किया था। भाई अपने बारे में बताओ कुछ। क्या बस आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा, बस ये तो बस ऐसे ही बोलते हैं, देखो पढ़ाई कर रहे हैं हमारी। भाई के घर पे आए हैं आज, और अभी भाई के पापा थोड़ा बाहर गए हैं, मम्मी भी खाना डालने लग गई अभी से आते ही, तो मिलते हैं थोड़ी देर में अभी आपसे, से मिलाते हैं सबसे ही, जब सब आ जाएंगे सब मिलते मिलाते हैं। और ये आ गए हमारे अंकल, देखो मिलवाता हूँ आपसे। ये अंकल है आसिफ के पापा, और ये मम्मी है, ये आ रहे हैं, इन्होंने इनवाइट किया था बहुत प्यार से, अब हम आए हैं। तो अंकल नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए खा नहीं रहे हमारे। आंटी बैठी है और आसिफ बैठा है, ये देखो ये आसिफ बैठा है, और यहाँ हम बैठे हैं। देखो लाभी ने शुरू भी कर दिया है, खा लेते थे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये देखो लाभी ना फिश के साथ खेल रही है, तो फिश पोर्ट मिल गया, उसी में देखे जा रही है कौन कौन सी फिश है। मतलब लाभी बस एक ही फिश पता चली है इसको अभी तक, गोल्डन फिश, बस वो गोल्डन कलर की फिश है ना, गोल्डन फिश वही पता है इसको। ये देखो बहुत अच्छी अच्छी फिश है इसके अंदर। फिश है इसके अंदर, देखो कितनी अच्छी अच्छी फिश है। लाइव उसी के साथ टाइम पास कर रही है। सिद्धि कर दिए कि हमारे घर में भी ये लोग। हाँ क्या कर रही है? मतलब सिद्धि कर दिए कि आप भी हमारे घर लेके आओ, देखते हैं कब लेंगे हम। दिवाली में फिश देखे।
और लावी को ना ईदी मिल गई है और लावी देखो खुश हो गई है और ज्यादा ही लावी को ईदी मिल गई है। बहुत टाइम हम जा रहे हैं, खाना खा लिया और घर चलने की तैयारी है, चलते हैं घर फिर वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। ठीक है भाई आशीष भाई, ओके धन्यवाद। खाना बड़ा टेस्टी बनाया था मम्मी जी ने, बहुत टेस्टी थी बिरयानी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने नहीं बोला ना, थैंक यू तो ऐसे बोला है, जिले बनाई थी आंटी जी ने, बनाई थी बहुत मटन बिरयानी, मटन बिरयानी थी, बड़ी टेस्टी थी। आज इन्होंने अपनी डाइटिंग आज फिर तोड़ दी, ब्रेक कर दी, कल से थोड़ी मेहनत चलता है, कल थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे। लावी कैसी थी बिरयानी? दही बल्ले लावी ने हर एक चीज का टेस्ट लिया अच्छे से, चटनी नहीं खाई लेकिन। अब हम जा रहे हैं अपने घर और हम आ गए हैं घर और हमने बहुत ज्यादा खा लिया है वहाँ पर, और बस वो तो शुक्र है गाड़ी से आए थे, चला तो जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। हाँ। देखो एसी में तो जाते ही लेट गए, और बहुत वाकई है बहुत टेस्टी था। हाँ। ऐसी बिरयानी हमने बाहर कभी नहीं खाई, तो वही मटर बिरयानी थी, तो अपनी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा वैसे ही खा गए, और दही बल्ले भी स्वाद थे, और चटनी तो बहुत स्वाद, बहुत ज्यादा स्वाद थी। सिलबट्टे की चटनी थी वो, सिलबट्टे पे सिलबट्टे की चटनी थी, हाथ से बनाई हुई थी, बहुत टेस्टी थी। बाकी अभी आए हैं, अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं, इनसे बात बात करते हैं, इनको बताते हैं क्या 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 खा के आए हम, फिर मिलते हैं आपसे, फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। और हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि खाना हमने खा लिया था इसलिए हम सीधा ऊपर आ गए हैं सोने। देखो टीम चला रही है फोन, लावी देख रही है टीवी, और अब समय हो गया ब्लॉग को एंड करने का, करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो के साथ, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या बजा देना घंटा, प्लीज घंटा जरूर बजा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बाय बाय, गुड नाइट।